भारत का नागरिक बनिए, दंगाई नहीं। समझिए इस खेल को कि ना सिर्फ आपको बल्कि आपके बच्चों को दंगाई बनाया जा रहा है सिर्फ चंद वोटों के लिए। और यह बात मैं आपसे बार बार कहता रहा हूं। वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। मिसाल नंबर एक, दोस्तों खबर देखिए अमर उजाला की, ये सुर्खी क्या कहती है, हेडलाइन क्या कहती है। राजस्थान पाली में ईदगाह पर भगवा झंडा फहराने से तनाव, विरोध में निकाली वाहन रैली। ये दो तस्वीरें देखिए दोस्तों, एक एक करके आपके स्क्रीन्स पर आ रही है मेरे पीछे। हुआ क्या है कि पाली के सोजत शहर में कुछ अज्ञात लोगों ने एक मस्जिद पर भगवा झंडा लहरा दिया। नतीजा वहां पर तनाव पैदा हो गया। अभी कुछ ही दिनों पहले आपको याद होगा राजस्थान की करौली में दंगे हुए थे और उसकी एक बहुत बड़ी वजह अशोक गहलोत सरकार की नाकामी थी। वो चाहते तो अपनी सूझबूझ से और एडवांस में की गई तैयारी से करौली में दंगे को टाल सकते थे, मगर फिर आपके सामने क्या हुआ आप सब जानते हैं। अलवर में भी आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका ने 300 साल पुराने एक मंदिर को तोड़ दिया था और उस मुद्दे को लेकर भी न्यूज 18 और टाइम्स नाउ नव भारत जैसे न्यूज चैनल्स ने भ्रामक और झूठी खबरों का प्रचार प्रसार किया, जिससे एक गलत संदेश गया और समाज के अंदर तनाव पैदा हुआ। और अब ईद से एक दिन पहले इस तरह की खबर सामने उभर कर आ रही है। अमर उजाला इस पर क्या कह रहा है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सोजत में ईदगाह पर भगवा झंडा फहराने के विरोध में लोगों ने वाहन रैली निकाली। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपी को पकड़ने में जुट गई है। पाली जिले के सोजत में धीनावास रोड स्थित ईदगाह पर भगवा झंडा फहराने का मामला सामने आया है, जिसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध जताया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस हरकत में आई और झंडा कब्जे में ले लिया है। शनिवार रात यह घटना होती है और अमर उजाला इस पर क्या कहता है पढ़ के सुना रहा हूं। धीनावास रोड स्थित ईदगाह पर शनिवार की रात झंडा फहराया गया था। सीसीटीवी के आधार पर आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस टीम जुट गई है। वहीं मामले से आक्रोशित बड़ी संख्या में लोग ईदगाह पर जुट गए हैं। उन्होंने घटना को लेकर सोजत हेमंत जाखड़ और एसएचओ जसवंत सिंह से विरोध जताया। साथ ही उन्होंने एसडीएम गोपाल जांघिड़ को ज्ञापन जो है वो सौंपा है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यह हरकत जिसने भी की है क्या उससे भगवा का रुतबा बढ़ गया है, हिंदू धर्म का रुतबा बढ़ गया है, भगवान श्री राम का रुतबा बढ़ गया है? बिल्कुल नहीं। आप बुनियादी तौर पर धर्म और भगवा का इस्तेमाल कर रहे हैं एक दूसरे धर्म को चिढ़ाने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इससे धर्म का परचम बेहतर कैसे हो रहा है? उल्टा जो भी राजनीतिक ताकतें इसके पीछे हैं उन्होंने आपको परमानेंटली दंगाई बना दिया है, आपकी सोच को दंगाई बना दिया है। आपको इतना भी डर नहीं है, इतनी भी परवाह नहीं है कि इससे जो समाज में तनाव पैदा होगा, दंगे जैसे हालात पैदा होंगे, उसका खामियाजा कौन भुगतेंगे? हमारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, हमारे बुजुर्ग मां बाप जो शारीरिक तौर पर सक्षम नहीं है अपनी रक्षा करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि आपको ईद से एक या दो दिन पहले मुसलमानों को चुढ़ाना है तो आपने इस तरह की हरकतें की है। मैं फिर आपसे पूछता हूं, इस देश का नागरिक बनने में बेहतरी है या दंगाई बनने में? और जो राजनीतिक पार्टी चंद वोटों के लिए यह हरकतें कर रही है उन्हें तो वोट्स मिल जाएंगे, आपको क्या मिलेगा? आपके माथे पर ताउम्र लिख दिया जाएगा आप दंगाई हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है आप, बताइए। क्योंकि सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है, राजस्थान में चूंकि एक डेढ़ साल में चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा राजस्थान में जगह जगह पर इस तरह का तनाव, इस तरह का उबाल जो है पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं समझता हूं, मैं इसका दोष सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर नहीं मढ़ रहा हूं। साफ तौर पर अगर जैसे हम करौली की बात करें,
करौली में जो दंगा हुआ या करौली में जो सांप्रदायिक टकराव हुआ, पुलिस चाहती तो उस यात्रा से पहले दोनों समुदाय के लोगों को सामने बिठाकर उनसे चर्चा कर सकती थी, उनसे बात कर सकती थी, मगर मैं नहीं जानता कि उन्होंने ऐसा किया भी या नहीं किया। और जैसे मैंने कहा ना, सिर्फ पाली के सोजत शहर की मिसाल नहीं है, हर जगह पर इस तरह की मिसाल सामने उभर कर आ रही है। अब मैं आपको ले चलता हूं खरगोन, खरगोन जहां सांप्रदायिक टकराव हुआ था, खरगोन जहां बुलडोजर चला था। खरगोन में 5 लोगों ने गुलशन नगर में स्थित एक मुस्लिम लोकैलिटी पर पेट्रोल बॉम्ब्स और पत्थर कथित तौर पर फेंके। वो इलाका मुसलमानों का था, यानी कि इन पेट्रोल बॉम्ब्स का इस्तेमाल मुसलमानों पर किया गया। और ये सब कब हो रहा है? ईद से ठीक पहले। मैं चाहूंगा इस बुजुर्ग महिला को सुने, वो आपको बतला रही है कि दरअसल हुआ क्या था। सुनिए ये क्या कह रही है। बच्चे लोगों ने देखा थे चारे इधर से पत्थर भी आ रहे हैं, शीशे में भर भर के ये फेंक रहे थे। आग लगी चारा जला वहाँ का, इधर तो कह रहे उधर आग लग गई देखा था, फिर पत्थर भी आ रहे थे, क्या जाना छुप के किधर से फेंक रहे थे वो। हमने उनको देखा था, फिर पुलिस को फोन लगा, फिर पुलिस आई, फिर उन्होंने सब जो चालान करी पुलिस ने देखा और रात में पुलिस की गाड़ी आई और सब दूर उन्होंने देखा, फिर रात भर पुलिस फिरी गाड़ी पुलिस की हाथ भी गई वहाँ देखा, फिर ये नहीं मालूम कौन थे क्या हुआ, पुलिस को मालूम ये हमको नहीं मालूम था। मैं फिर आपसे पूछता हूं, क्या इससे धर्म का परचम जो है बुलंद हो रहा है? बताइए। जहांगीरपुरी में 3 यात्राएं निकली थी, पहले 2 की अनुमति थी, उन पहले 2 यात्राओं में कोई दंगा नहीं हुआ, तीसरे की अनुमति नहीं थी। उस तीसरी यात्रा में हाथ में कट्टे लेकर, भड़काऊ नारे लेकर कुछ बच्चे जो हैं वो निकल रहे थे। वो तस्वीरें आपके सामने हैं, आपने वो तस्वीरें देखी होंगी। और फिर मस्जिद के सामने से वो रैली निकलती है, मामला भड़कता है, दूसरी तरफ से पत्थरबाजी होती है, कुछ लोग गोली भी चलाते हैं और नतीजा आपके सामने है। उस तीसरी यात्रा को लेकर कोई अनुमति नहीं थी और वो यात्रा महज इसलिए निकाली गई थी क्योंकि माहौल को भड़काना था। मैं फिर आपसे पूछता हूं, ये जो लोग समाज के माहौल को भड़का रहे हैं, हिंदुओं को भड़का रहे हैं, हिंदुओं को डरा रहे हैं ये बतला के कि मुसलमान तुम पर राज करेगा, मैं आपसे समझना चाहता हूं इससे नुकसान किसका है? आज तक के शो में सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि 2014 से पहले भारत एक आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। आंशिक मुस्लिम राष्ट्र, मतलब इतनी बड़ी बात कह दी सुधांशु त्रिवेदी ने आज तक के शो में और एंकर ने इसे बिल्कुल भी चुनौती नहीं दी। मैं आपसे समझना चाहता हूं, 2014 से पहले क्या मुसलमान इस देश पर राज कर रहे थे? क्या मुसलमान हमारी नौकरियां यानी कि हिंदू की नौकरियां खा रहे थे? क्या मुसलमान हिंदुओं को मिलने वाले न्याय को छीनकर खुद खुश थे? ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां देवेगौड़ा के वक्त या नरसिम्हा राव के वक्त अनाप शनाप झूठे केसेस में मुसलमानों को जेल में बंद कर दिया गया था और वो 15-15, 16-16 साल, एक मुसलमान तो 23 साल बाद जेल से निकला और उसका कोई दोष नहीं था, 23 साल तक वो जेल में था, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। जब तक वो बाहर आया उसकी मां की मौत हो गई थी, कश्मीर का रहने वाला था वो, और इसी मंच पर मैंने वो कार्यक्रम आपको दिखलाया था। तो सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग जो कहते हैं कि 2014 से पहले भारत आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था, तो ये कुछ भी कहने की जो सोच है, ये जो फितरत है और जनता इसे हजम भी कर लेती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ना, 2014 से पहले क्या कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति आपकी नौकरी को मार रहा था, आपकी सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ था? कहने का अर्थ यह है कि अलग अलग मोर्चों पे अलग अलग तरीकों से ये जतन लाना लोगों को कि साहब हम खतरे में हैं, और न सिर्फ ये जतलाना कि आप खतरे में हैं, आपको भड़काना और फिर आपकी सोच को एक निहायत ही सुनियोजित तरीके से दंगाई बनाना। उत्तर प्रदेश की अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, एक मुस्लिम इलाके में आके कह रहे हैं कि साहब मैं तो जागरण करूंगा 2 तारीख को,
तुमसे जो बन पड़ता है कर लो। पुलिस को धमकाने लगा ये। पुलिस ने इन्हें कहा कि भाई ये कोई जगह नहीं है जागरण करने की, मगर वो भाजपा का नेता जो है वो अड़ा हुआ है। मैं चाहूंगा आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। हमें आपसे कोई अनुमति नहीं दी। हाँ तो मल्ली, और हम यहाँ जागरण 2 तारीख की रात में करने जा रहे हैं, तो आप करिए, आप बस करेंगे। मैंने आपसे कम मना नहीं, आपको बुलाया तो मान सम्मान है। आप हमारे कार्यकर्ता की हमारे सामने जो है कोई बात नहीं, मेरे सामने कोई बात नहीं। पंडित जी, मैं आपके बुलाने से आया, मेरे आप बुलाने से आए हो ना, बुलाने तो मेरे, आप सुनिए मेरी बात, आपने एकाख में होने नहीं दूंगा, बिना अनुमति, मैं बिना अनुमति के करूंगा। बात करिए, मैं कैसे रोक रोक करूंगा अगर आपके बाद बिना अनुमति। सुनिए मेरी बात, आप सुनो, आप वीडियो बनवा रहे हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बड़े भाई यार, जागरण को 2 तारीख में करने जा रहा हूँ, और 2 तारीख की रात को करेंगे। और सुनिए, किसी के घर में अगर कोई औलाद पैदा होगी तो उसकी परमिशन पुलिस से चाहिए, नहीं परमिशन नहीं डाल रहे हैं। धन्यवाद। मेरा सीधा सा सवाल, क्या माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इस शख्स या उसके घर पर बुलडोजर चलाएंगे? क्योंकि ये तो भड़का रहा है ना माहौल को। बताइए, एक और वीडियो देखिए आपके स्क्रीन्स पर, नोएडा सेक्टर 39 का वीडियो है। बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है वो नोएडा के एक पुलिस स्टेशन में पहुंच गए हैं। क्यों? क्योंकि पुलिस स्टेशन के अंदर एक व्यक्ति बंद है जिस पर आरोप है एक मुस्लिम महिला का बलात्कार करने का। बजरंग दल के लोग नोएडा सेक्टर 39 के थाने पहुंच गए उसे छुड़ाने के लिए। पुलिस से उनका टकराव हो रहा है, पुलिस ने उन पर केस भी दर्ज कर दिया। और जैसे कि आप देख सकते हैं, इसकी अगुवाई एक महिला कर रही है जिनका नाम गंगा है, यानी कि धर्म के नाम पर जिन पर बलात्कार का भी आरोप है उन्हें भी छुड़ाने का काम करना। और ये कोई नई बात नहीं है। कठुआ याद है कि नहीं आपको? 8 साल की एक मासूम का रेप होता है जम्मू में, और भारतीय जनता पार्टी के 2 मंत्री उस रैली में शामिल हो जाते हैं, तो फिर हम बजरंग दल को क्या कहें? मैं मानता हूं कि वो लड़का बलात्कार का आरोपी है, मगर पुलिस थाने से छुड़ाना? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जो मैंने आपको तमाम घटनाएं बताई हैं, अब जरा किरदारों को पलट दीजिए। यानी कि जो हिंदू पुलिस वाले को धमकी दे रहा था कि मैं तो यहां जगराता करूंगा ही, कल्पना कीजिए यही धमकी कोई मुसलमान दे पुलिस को, अब तक उस पर आतंकवाद की धाराएं लगा दी गई होती और वो जेल में होता। या फिर कल्पना कीजिए अगर इस्लामी झंडा कोई हमारे मंदिर पर लगा जाए, जैसा कि सोजत में हुआ, या फिर खरगांव के गुलशनपुर लोकैलिटी में पेट्रोल बॉम्ब्स अगर मुसलमान इस तरह से फेंक कर चले जाएं बगैर किसी वजह के। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बगैर भड़के मुसलमान ऐसा नहीं करते होंगे। मैंने हर बार कहा है कि बेशक आपको सामने वाला भड़काए, मगर किसी भी कीमत पर हिंसा का इस्तेमाल नहीं हो सकता। मैंने आपसे बार बार कहा, इस देश में ढेरों ऐसी मिसालें हैं जहां अहिंसात्मक तरीके से आप जुल्म का विरोध कर सकते हो। ढेरों ऐसी मिसालें हैं। हमारा पूरा जो स्वतंत्रता संग्राम है, सत्याग्रह, ये तमाम चीजें सिर्फ शगुफे नहीं हैं, ये हमारी ताकत हैं। तो अगर कोई आपको भड़का रहा है तो उसका जवाब हिंसा नहीं हो सकता। उसका जवाब ये नहीं हो सकती कि आप बंदूक लेके सामने उतर पड़े, क्योंकि नुकसान फिर आप ही को है, खासकर अगर आप एक माइनॉरिटी हो। तो मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं कि क्या आप नागरिक के बजाय दंगाई बन रहे हैं? क्या आपकी सोच एक दंगेबाज की हो गई है? और सबसे बड़ी बात, आप जो ये चर्चा अपने घर में बैठकर करते हैं, इसका असर आपके छोटे छोटे बच्चों पर क्या पड़ रहा है, इस पर भी गौर कीजिएगा। क्योंकि देखिए, किसी के खिलाफ अगर आपके दिल में नफरत है तो बौद्धिक स्तर पर, इंटेलेक्चुअली आप कभी भी इवॉल्व नहीं होंगे, बौद्धिक स्तर पर आप बेहतर कभी नहीं होंगे, आप हमेशा रसातल की तरफ जाएंगे। आप नफरत की ऐसी दलदल में दफन हो जाएंगे जिससे आप बाहर नहीं निकल सकते, और जब बाहर निकलेंगे भी तो आपकी आत्मा, आपकी सोच पर इतने दाग, इतने निशान होंगे, इतने धब्बे होंगे कि उससे पार पाना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। इसकी ढेरों मिसालें हैं हमारे सामने।
खैर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जो मैंने आपसे बातें कही कि नागरिक बनिए दंगाई नहीं, आप में से कई लोग बावजूद इसके कमेंट सेक्शन में आके मुझे ही अनाप शनाप बातें कहेंगे। मुझे उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं मेरी यह जद्दोजहद न सिर्फ एक पत्रकार के तौर पर है बल्कि एक नागरिक के तौर पर भी है, और वो जद्दोजहद मैं बदस्तूर जारी रखूंगा, उससे पीछे नहीं हटने वाला हूं, क्योंकि मुझे अपने देश से प्यार है, अपनी युवा पीढ़ी से प्यार है, अपने बच्चों से प्यार है, और मेरी यह जद्दोजहद हमेशा उनके लिए बनी रहेगी। नमस्कार।